हेलो हाय एंड नमस्ते एवरीवन, कैसे हो आप लोग? आई होप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे होंगे। तो आज की ब्लॉगिंग की शुरुआत हम कर रहे हैं शाम के 5 बजे से, और अभी हमारी तैयारी हो रही है मोमोज बनाने के लिए। तो काफ़ी दिन हो गए जब से हम लोग नैनीताल से आए, तब से हमने मोमोज नहीं खाए, और बाहर के मोमोज तो हमें बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो आज हमारी तैयारी हो रही है मोमोज बनाने के लिए। तो मोमोज का जो जो प्रोसेस है वो मैंने रेडी कर दिया है, तो आपको भी दिखाती हूँ और अब आगे के प्रोसेस में बढ़ते हैं। तो चलिए मैं लेके चलती हूँ आपको किचन में। गाइज, अब मेरी यहाँ पे चटनी बनाने की प्रोसेस शुरू हो गई है, और यहाँ पे मैंने बड़े बड़े 4 टमाटर धो के रख दिए। इसको अब मैं बॉईल करने के लिए रखूँगी ताकि इसके छिलके अलग हो जाएं, और साथ में यहाँ पे मैं 2 अलग अलग चटनी बना रही हूँ। यहाँ पे देखिए, मैंने छोटे छोटे टमाटरों को काट के फ्राई कर दिया है, और इस पर अब मैं डालूँ। तो यहाँ पर मैं मिक्स करूँगी इसमें हरी मिर्ची और लहसुन और थोड़ा तिमूर और लाल मिर्ची। तो यहाँ पर देखिए, और यहाँ पर मेरे टमाटर भी बॉईल हो चुके हैं। और यहाँ पे मैंने अनीता को दिया है कि बंद गोभी और प्याज मतलब चॉप करने के लिए। गाइस, यहाँ पे सेकंड चटनी की भी तैयारी हो चुकी है, और यहाँ पे देखिए मैंने तिल को थोड़ा ब्राउन होते तक भून लिया है, और यहाँ पे साथ में ही लाल मिर्ची की भून दिया है ताकि इसका जो मॉइस्चर होता है वो ना मतलब सूख जाता है, तो और अच्छा स्वाद आता है। और गाइस, यहाँ पर मैंने जो फ्राई करे टमाटर को डाल दिया मतलब जो भी, और इसमें से मैं ऐड कर रही हूँ हरा धनिया। इस चटनी में मेन रोल होता है ये तिमूर का, मतलब ये जो टमाटर की चटनी है तिमूर से इतनी टेस्टी होती है कि आप लोग भी जरूर जरूर ट्राई कर लीजिएगा। और मैं यहाँ पे डाल देती हूँ नमक, और देखिए यहाँ पे मेरी चटनी बन के बिल्कुल हो चुकी है रेडी। और साथ साथ में ही मैं 2 चटनी बना रही हूँ, साथ साथ में ही मेरी दूसरी चटनी की भी तैयारी हो रही है। यहाँ पर मैंने तिल डाल दिया, लाल मिर्च डाल दिया, और इसको मैंने मिक्सी में घुमा भी दिया। और उसके बाद मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ हरा धनिया, तिमूर और नमक और लहसुन। तो यहाँ पे मैं मिक्सी में पीस दूँगी। और देखिए यहाँ पे अनीता का हाल, मतलब यहाँ पे प्याज को चॉप कर रहे हैं और बहुत आंसू निकल रहे हैं उनके, क्योंकि प्याज से ना। अरे, तिल की चटनी रेडी। किचन ना काफ़ी फैल जाती है। तो यहाँ पे हमने जो बंद गोभी की बना रहे हैं गोभी चॉप कर दी है, और हमें ज़रूरत थी अदरक की, और यहाँ पे प्याज था, प्याज भी कर दिया है। देखा होगा कि मैंने ये फ्राई करके भी बना रखा है, मतलब ये अच्छा लगेगा तो इसके साथ भी हो जाएगा। और हमें साथ में ज़रूरत पड़ने वाली है डालडा घी की, तो सब। और देखिए यहाँ पे हमारा मैदा भी हमने गूंथ दिया है, तो सब रेडी है। और किचन फैल रखा है क्योंकि थोड़ा सा छोटी किचन है इसलिए। और ये जो मोमोज की चटनी है ना, ये बहुत टेस्टी बनी है, बहुत टेस्टी बनी है, बता भी नहीं सकते। और यहाँ पे हमने दही था, तो ये मैं फ्रिज में रख देती हूँ। यहाँ पे मैं मोमोज तो बना रही हूँ, पर शॉप और घर, शॉप और घर हो रहा, मतलब मैं साथ साथ में शॉप भी देख रही हूँ और साथ साथ में घर भी आ रही हूँ, तो इसलिए देखिए मेरा पूरा पसीना पसीना हो गया है। तो अब आ चुके हैं पतिदेव शॉप पे, तो मैंने अब जो बेलने का प्रोसेस था थोड़ा लंबा रहता है ना, तो उसके लिए तो परमानेंट किचन में होना जरूरी होता है, तो इसलिए वो चले गए शॉप में। और इसलिए अभी मुझे फ्री टाइम मिला है, तो मैंने सोचा कि अब फटाफट जो भी आगे का प्रोसेस है वो तैयार कर देते हैं, और अभी तब तक मैं ना इसका जो मोमोज का मसाला है वो फ्राई कर देती हूँ। अब कैमरा, अब अभी हम रखेंगे 2 नंबर पर। यहाँ पे इसको स्टार्ट कर दिया है, और अब यहाँ से आगे की प्रोसेस चालू करते हैं। तो यहाँ पे हमारी कढ़ाई गरम हो चुकी है, और इस पे हम डालेंगे डालडा घी। मतलब ऐसे हम लोग रिफाइंड भी डाल सकते हैं, पर ना डालडा घी से थोड़ा स्वाद और अच्छा आता है, तो ज्यादा नहीं डालेंगे, इतना हेल्दी के लिए भी अच्छा। डालडा डालते बस, मतलब इस पे थोड़ा सा हम नमक डालेंगे इसमें, इसका पानी अलग करने के लिए। तो यहाँ पे हमारा प्याज फ्राई हो गया है, इसके बाद हम डालेंगे इसमें गोभी। इसके बाद यहाँ पे और डालेंगे जो अदरक, अदरक मेन है, अदरक से स्वाद बढ़ जाता है ना, अदरक तो हर चीज में अच्छा लगता है अदरक। तो यहाँ पे थोड़ा सा हम डाल देंगे अजीना मोटो, कम डालना है इसको, तेज कलीज मत करना, तेज हो गया हल्का, मिर्ची नहीं पड़ती क्या इसमें हरी।
भी नहीं खा पाने का। बस हो गया है रेडी, अब गैस को कर देंगे बंद। कलर देखो कलर बंद गोभी का और प्याज का लगाया। और अब एक बार मैं किचन की फिर से सफाई करती हूँ, फिर उसके बाद बर्तन रखते हैं। गाइस जैसे आपने देखा कि मैंने बहुत कम चीजों से भी मतलब मोमो का मसाला बना दिया है, और सिर्फ बंद गोभी और प्याज और अदरक, और इतने कम चीजों से भी मतलब हम लोग बहुत टेस्टी मोमोज खा सकते हैं। तो आप लोग भी ट्राई जरूर जरूर कर लीजिएगा। और इससे आगे का हमारा प्रोसेस होगा कि मतलब बेल के अब मोमोज को भरना, तो उसके बाद तो फिर स्टीम के लिए तैयार करने हैं। तो चलिए फिर से चले जाते हैं किचन में। और किचन तो गाइस जैसे आपने देखा कि मैंने मतलब कम चीजों से भी कितने अच्छे से मोमोज का मसाला तैयार करा है। तो ये है हमारे मोमोज की बर्तन, इसको एक बार धो के ना इसमें पानी रख देते हैं। और मैं बोल रही थी ना मेरी फ्रेंड आने वाली है और अभी आ गई हूँ, और मैं अभी बैक कैमरा से दिखाती हूँ ये मोमोज बनाने की प्रोसेस फुल। और यहाँ पे बेल दिया है और मैं यहाँ पे अपना मसाले को भरती हूँ, और फिर उसके बाद दिखाती हूँ आपको कि मतलब कितने अच्छे से यहाँ पे हमने इतने सारे मोमोज बेल दिए हैं। और ये अब मैं रखती हूँ स्टीम के लिए, और ये तब तक ये बनते रहेंगे, और तब तक यहाँ पे और हम तैयार करते रहेंगे। और इसके ऊपर मैं लगा देती हूँ ढक्कन और गैस कर देती हूँ फुल, क्योंकि अभी बच्चे ट्यूशन से आने वाले हैं, उनके लिए बिल्कुल रेडी रखना है। यहाँ पे हमारे मोमोज बन के रेडी हो चुके हैं ये, और इसमें भी है, और देखिए जूसी जूसी मोमोज। और अभी मैं सबको खिलाती हूँ मतलब बांटती हूँ कैसे बन रहे, और पूछती हूँ। और यहाँ पे हमारी चटनी भी मैंने खाली कर दिया है मिक्सी से, और एक ही वाली चटनी और दूसरी वाली भी है। तो और बाकी अभी ये मोमोज हमारे स्टीम होने बाकी है, उससे पहले मैं ये मोमोज को मतलब सबको खिला देती हूँ। मोमोज लगा दिया है इनके लिए और ये पापा के लिए, जाइए पापा को, चल पापा को दे के आते हैं। कैसे बन रहे बताओ? लेना था उसका तो लिया नहीं हाँ? मेरा मुँह और मोमोज खा के कैसे लगे मेरा मोमोज? मम्मी का अभी बाकी, और यहाँ पे मेरा अभी आ गया बिल्कुल अच्छे लग रहे। और वहाँ पे बच्चे हमारे, और देखिए हमारे छोटे से क्यूट बेबी, वाह मोमोज खा ले, कैसे लगा बच्चा मोमोज? वाह अब यम्मी हो रखे, ठीक है बेटा। और ना ये चटनी नहीं खा रहे इसलिए क्योंकि बहुत मिर्ची है ना। वाह कितने अच्छे से खाना। और देखो हमारे क्यूट बच्चे यहाँ पे मोमोज खा रहे हैं और यहाँ पे टीवी देख रहे हैं। आज मेरा अच्छे हो रहा है, सही दिख रहा ना। तो भाई अंदर से हमारी स्टफिंग कुछ ऐसे दिखते है, बिल्कुल जूसी टेस्ट है। इसमें मैं डालूंगी ये वाली चटनी, ये मैंने ट्राई नहीं करा। तो गाइस देखिए मेरा मोमोज खाने के बाद का हाल, पूरे पसीने पसीने से, बहुत मिर्ची थी। तो चलिए आज की वीडियो को भी यहीं पर ही एंड करते हैं। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आई होगी तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और मिलते हैं आपको अगले नए ब्लॉग में। अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं आपको जल्द ही अगले वीडियो में। बाय।